जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। हम गांव आए हुए हैं लॉकडाउन में। यहां पे आप देख रहे हैं चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। गांव का एक परिदृश्य, हम छत पे हैं इस समय। चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत ही रेयर में लोग दिखाई दे रहे हैं। सभी अपने घर पे रह रहे हैं और लॉकडाउन का पूरी तरह गांव में पालन कर रहे हैं। चारों तरफ का ये ग्रामीण दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है और चिड़ियों की चहचहाट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और बहुत ही शांत वातावरण है चारों तरफ का। गांव का पूरा कंप्लीट माहौल बहुत ही बढ़िया है। मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ और चारों तरफ का सीन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से वो मेन रोड पे आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं, लेकिन काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन भी कर रहे हैं ग्रामीणवासी। और चारों तरफ नीम के पेड़ आप देख रहे हैं, नीम के पेड़ ही पेड़ हैं एक पास से, जो कि काफ़ी सुंदर हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ पक्के घर बने हुए हैं, कुछ कच्चे घर बने हुए हैं। अभी गांव में सभी पक्के घर नहीं हैं, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर बने हुए हैं। यही ग्राम गांव की शान है। धीरे धीरे ग्रामीण विकास भी हो रहा है, डेवलपमेंट में सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। और जूम करके आपको दिखा रहे हैं, जानवर भी यहाँ पे देखिए आप बंधे हुए हैं। ये टोटली ग्रामीण परिवेश है, काफ़ी बढ़िया आउटलुक है। बहुत कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही शांति है, कोई चाहे तो आराम से यहाँ पे कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकता है और लॉकडाउन का अच्छे से इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकता है। घर पे रहेगा, सुरक्षित रहेगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेगा तो भविष्य उसका उज्ज्वल होगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं पीपल का पेड़ है, ये काफ़ी शुद्ध ऑक्सीजन देता है, चारों तरफ का माहौल भी सुंदर बनाता है। ये देता चारों तरफ बीमारियाँ नहीं आती हैं क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन 24 आवर्स ये देता है। ये आकाश में आप देख रहे हैं बिल्कुल शाम ढलने वाली है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर।